नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के बैतूल के प्रभात पट्टन में हजरत सुलेमान जोहर रहमतुल्लाह अलैह उर्स मुबारक का आयोजन। उर्स मुबारक बहुत ही भव्य और धूमधाम से मनाया गया। बता दें कि हजरत सुलेमान उवलिया संत फकीर हैं जिनकी कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई है। लगभग 400 साल पुरानी दरगाह शरीफ पर श्रद्धालुओं के द्वारा भव्य धूमधाम से उर्स मुबारक का आयोजित किया गया। दूर दूर से भक्त अपने अपने संत दलों का बेड़ा लेकर वहां पहुंचे। चारों तरफ भीड़ ही भीड़ नजर आ रही थी। उमड़ पड़ा बैंड बाजे ढोल धमाकों के साथ में नाचते गाते उत्सव मनाते हुए धीरे धीरे सन दलों का बेड़ा दरगाह शरीफ की भक्त माता टेक कर अपने अपने मुरादों को पूरा करने के लिए दुआएं मांग रहे थे। दूर दूर से आए हुए भक्तों के द्वारा दरगाह शरीफ पर फूल माला और चादर चढ़ाई गई। सूफी कव्वाली में दूर दूर से आए कव्वालों ने अपनी कलाम पेश किए। एक मान्यता के अनुसार हजरत सुलेमान साहब बहुत ही जागृत और ज्वलाली हस्ती के मालिक हैं। उन्होंने क्रोध में आकर इस गाँव को पलटा दिया था, जिसके कारण इस गाँव का नाम प्रसाद पट्टन पड़ गया। रंग बिरंगे परिधान, अलग अलग धर्म संप्रदाय के मानने वाले मुरीद और भक्त यहां पहुंच कर अनेकता में इस अवसर पर कमेटी के सदस्यों ने भी अपना योगदान दिया, जिसके चलते इस बार फिर भी लगभग 1 लाख से अधिक लोग इस जलसे में शामिल हुए। पट्टन समिति की ओर से सभी के लिए लंगर भंडारे का आयोजन किया गया। पूरी दुनिया के अमन चैन के लिए दुआएं मांगी। इंडिया न्यूज 28 के लिए एजाज अंसारी की रिपोर्ट।